अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम ऑनलाइन स्टडी का आगाज़ कर रहे हैं। वीकली असाइनमेंट जो आपको मिल चुकी है उसको हमने चार हिस्सों में तकसीम किया है। फ्राइडे और संडे ऑफ होगा, मंडे टू थर्सडे आपने जितना भी लेसन पढ़ा होगा उसका ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे को होगा। नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट आपको नेक्स्ट मंडे को मिलेगी। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमारा आज का सबक है खिदमत खलक। खिदमत खलक के मायने हैं लोगों की मदद करना, लोगों की खिदमत करना, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए भलाई के काम करना। इस चैप्टर के अंदर परवीन खाला की कहानी को बयान किया गया है, जो कि एक मुलाजमा है, कि किस तरीके से उन्होंने खिदमत खलक का काम अंजाम दिया। खिदमत खलक के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम सबक की रीडिंग करेंगे और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन भी करेंगे। सबसे पहले हदीस है, खैरुन्नासी मिन यनफाउन्नास, तर्जमा, तुम में बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। आज परवीन ने इतनी देर क्यों कर दी, हमेशा तो वक्त पर आती है। अम्मी गुस्से में थी, अचानक दरवाज़ा बजा, मैंने जाकर पूछा तो घर का काम करने वाली मुलाजमा परवीन खाला आई थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, उनके अंदर आते ही अम्मी ने गुस्से में उन्हें डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है, कितनी देर कर दी तुमने। बाजी माफ़ कीजिए, आज देर हो गई, ये कहकर उसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। किसने, परवीन खाला ने। थोड़ी देर बाद मैंने सुना परवीन खाला अम्मी का गुस्सा ठंडा होता देखकर बता रही थी, बाजी आज सुबह मैं अपनी माँ की दवाई लेने गवर्नमेंट अस्पताल गई थी। वहाँ मुझसे आगे एक बूढ़ी खातून प्लास्टिक की थैली में दवाइयों की पर्ची और पुराना छोटा सा पर्स डाले खड़ी थी। उनकी बारी आई, उन्होंने दवा ली और पैसों के लिए थैली खोलकर देखा तो वह एक तरफ से कटी हुई थी और पर्स भी एक जानब से काटा गया था। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो दवाई लिए बगैर एक जानब हट गई। मैं अपनी दवाई लेकर उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आपने दवा क्यों नहीं ली। वो बोली, बेटा किसी ने मेरी थैली और पर्स काट कर थोड़े से पैसे थे वो भी निकाल लिए, अब मेरे पास घर जाने का किराया तक नहीं है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये परवीन खाला जो है बूढ़ी खातून की पैसों के ज़रिए मदद कर रही हैं। बाजी मेरे पास सिर्फ किराए के ही पैसे थे, वो मैंने उन्हें दे दिए ताकि वो घर जा सके। मैं खुद पैदल अस्पताल से यहाँ तक आई, इसलिए देर हो गई। मैंने अम्मी की आंखों में हैरानी देखी, मैं खुद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, परवीन अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देंगे। अम्मी परवीन खाला से कह रही थी, मैं सोच रहा था कि मेरा जेब खर्च तो परवीन खाला की पूरी महीने की कमाई से भी शायद ज़्यादा ही होता है। वो जब काम ख़त्म करके जाने लगी तो मैंने अम्मी से पूछकर अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे उन्हें देने की कोशिश की, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया और बोली, नहीं बेटे, वो पैसे तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे, मैं तुमसे ले लूँगी तो मेरा अजर कम ना हो जाए, यानी कि सवाब कम ना हो जाए। मैंने खामोशी से वो रकम वापस रख ली, ये सोचकर कि अब मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लूँगा। इंशाल्लाह आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से लर्न करना है, यानी कि इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से आपने लर्न करनी है और जो अंडरलाइन अल्फाज हैं उनको आपने एक पेज के ऊपर नीट राइट करना है, ताकि जो मुश्किल अल्फाज आपको लिखने नहीं आते आप उनको आसानी से लिख सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।